शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा मतदाताओं को रिझाने के लिए हर ओछी राजनीति अपना रही है। बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहल पर पुलिस के द्वारा कई शराब की गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए धनबल का प्रयोग कर ओछी हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हर गतिविधि अपनाकर ये सीट जीतना चाहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग और हिमाचल पुलिस प्रमुख से मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले 3 दिनों में इस तरह की हरकतें भाजपा बड़े पैमाने पर कर सकती है। पुलिस अगले 3 दिनों तक इस पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोने में इस तरह की गतिविधियां खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रभावित करने के लिए चला सकती है। उन्होंने बताया कि देर रात शराब की पेटियां समेत गाड़ियां पकड़ी गई और कुछ गाड़ियां छूट भी गई। भाजपा ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उधर भाजपा ने बयानबाजी करने के साथ वहां पे पकड़े गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा पुलिस के डायरेक्टर जनरल से भी ये निवेदन है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी ये निवेदन है कि इसकी कड़ी संज्ञान इस पे लिया जाए। अगले 3 दिन तक इस तरीके की हरकतें भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोनों में और खास रूप से मंडी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में करने की कोशिश करेगी, इस पे उनको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो। तो ये हमारा एक अपील जो है वो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और खास रूप से इलेक्शन कमीशन और प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट से जो है वो रहेगी। मतलब एक राजनीति की भी एक भाद होती है, जिस तरह का काम बीजेपी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बड़े खेद से कहना पड़ रहा है हमको। पिछली रात में 2-3 गाड़ियाँ इस तरह पकड़ी गई, इसमें कि शराब की खेप सप्लाई हो रही थी दूसरी जगह, ये बहुत शर्म की बात है। और हमें आशंका है कि अगले 3-4 दिन में इन्होंने यही काम करना है, क्योंकि प्रचार में तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हमको, बस यही इन्होंने काम करना है। इसकी बहुत खेद की बात है।